हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम शुरू। तो आज ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि जान सो चुका है और मैं अपना लगी खाना, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई है। तो मैं कुछ बनाने लगी हूँ अपने लिए खाने के लिए। तो देखा आप बैठ के अकेले खेल रही है क्योंकि इस वजह से खेल रही है कि बच्चे स्कूल गए और ट्यूशन गए हैं और ये मेरा मुन्ना सो रहा है। इसको मैंने ऊपर से ये कपड़ा से देते हैं दुपट्टा कि ऊपर इसके जो है ना फेस पर हवा नहीं पड़े, तो वो जो है दोनों सो रहे हैं। ये देखो तो मैं जा रही हूँ ऊपर मैं जा रही हूँ। आज हम बनाने लगे हैं काले चने, ब्लैक वाले चने। तो आज आने वाला से क्या बनाना है खाने के लिए, तो मैंने सोचा आज चने बना लेते हैं। मौसम कुछ ऐसा है, तो वो देखो चिड़िया बैठी हुई है, धूप ही धूप, गर्मी बहुत हो गई है कराची में और ऊपर हवा भी चल रही है। तो मैं ले लिया चने, आज हम बनाएंगे काले चने। और सुबह मैं आई थी दोपहर को बाजरा भी डाल दे रही और पानी भी, माशाल्लाह खत्म नहीं होने देते, अब लापरवाही नहीं करते। वरना पहले लापरवाही करते थे, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो नीचे जाके सबसे पहले बनाऊंगी मैं चाय क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत बहुत भूख लगी है। पराठे पड़े लेकिन मैं पराठे खाऊंगी क्योंकि मैं ना रूच को जो ना फीड करवाती हूँ। तो ये लोग सो रहे हैं मज़े मज़े से। जान में देखो नहाने के लिए कपड़े निकाले थे, निकलने नहाया नहीं, वो पता नहीं बैठे कितने कुछ। यहाँ पर मैंने दूध ऊपर रख दिया है उबलने के लिए, दूध पहले गर्म करूँगी तो फिर बनाऊँगी चाय। यहाँ पे ये चनों के साथ लगी हुई, क्या हुआ काका, मैं बनाऊंगी चने बहुत ज़्यादा भूख लगी मुझे। और ये भी कह रही मम्मा मुझे रोटी दे दो, है ना भूख लगी है, दूध पीती है ना, दूध पीती है वो, सीरियल खाते हैं, ये चीज़ें चूज़ें खाते रहते हैं। के रख रही है माशाल्लाह, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी मैं बना लेंगे मसाला बनाती हूँ और इसके अंदर मसाला वगैरह काट के, और इससे प्याज आप कम ही डाला करें क्योंकि ये ना मीठी हांडी बन जाती है इससे। तो इस वजह से मैं प्याज का जो इस्तेमाल है वो कम ही करती हूँ। और ये मेरे मुझे तंग करी जा रही है, करी जा रही है। क्या हुआ है, तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है तो मैं सोचे फटाफट ये बने तो मैं बनाऊँ अपने। यहाँ पर मैंने कुकर ऊपर चढ़ा दिया और यहाँ पर चाय रख दी है, तो पास खिला लोग आ गए हैं। तो मैंने बनाने थे 2 कप, तो फिर शुक्र बाजी जल्दी आ गई, तो फिर मैंने साथ ही चाय ज़्यादा रख ली। और बाजी यहाँ पे मुझे ईस्टर मिलने आई है। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी ईस्टर, सेम टू यू। कैसे हो? ठीक ठाक। बाजी बना रहे थी टिकटॉक, तो मैंने आके बाजी को डिस्टर्ब कर दिया है ना। तो यहाँ पे मेरा काका जो ना सो रहा है, और जान आज कह रहा था इसका फेस दिखा दे, लेकिन अम्मी ने सख्ती से मना किया कि अभी उसको नहीं दिखाना। अब मैं कहती हूँ अभी नहीं दिखाना, पहले ही वो इतनी कमजोर है, फिर और नजर लगे। हाँ छोटी है ना। और सुना ईस्टर कैसा गुजरा आपका? शुक्र है। तो ईस्टर पे मिलने क्यों नहीं आए आप? आप लोग गए थे इसलिए हम लोग कहीं भी नहीं, हम गए थे, हमने बोला उधर अम्मी लोग सारे बड़ा घर तो वही है ना, तो इसलिए हम सब उधर इकट्ठे हो गए। तो मैं भाजी भी हमेशा उधर ही आती, चली गई थी तो वही ना, अम्मी भी चली गई तो अम्मी का करके, तो उधर हम मतलब अम्मी अपने दूसरे बेटे को करके गए तो अम्मी के साथ फिर हमें भी जाना पड़ा। तो यही तो मैं कह रही हूं, तो आप उधर आ जाते ना, अम्मी जो है ना उधर चली गई। हाँ बाकी इसलिए फिर, और बहुत दूर बाहर हम जाते नहीं है। हाँ उधर का रास्ता थोड़ा ऐसा है। और दूसरी बात ये कि हमारे घर पे मेहमान भी आ गए थे और जैसे वो लोग गए हम लोग फिर अपने नंगे घर चले। हाँ फिर आपको पता ईद पे तो यही होता है, कभी आना कभी जाना है ना, यही लगा रहता है। तो यहाँ पे भी हम बना रहे चाय और साथ में खाना, और जो मेरी भूख है वो लग लग के आधी हो गई। यहाँ पे हमारी मजे मजे की चाय वो बन चुकी है और उसको दे दिया, तो जान उठा था और वो उसको भूख लगी थी, मुझे भी लगी थी, तो वो लेने चला गया चाट खाने के लिए। और सोया जो यहाँ पे किचन में घुस के पता नहीं क्या क्या कर रही है, तो यहाँ पे अभी चाट जान लेके आ गया, तो मैं यहाँ पे बाजी लोगों को डाल के देने लगी हूँ और जान खा रहा है खुद ही डाल के। यहाँ पे मैं उठ चुका हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो उठ चुका हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं सो रहा था और बिट्टी के लिए उठते ही मैंने बोला चाट लाता हूँ आपके लिए, बिट्टी के लिए थोड़ी सी चाट भी थी के लिए ना, मैं अपने थी। और अंजलि आपने तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर क्या है, चने रखे हैं आलू छोले, आलू तो नहीं है, खाने चने या काले चने, और काफी टाइम बाद हमने काले चने बनाए हैं। पहले तो हम सब्जी है गोश्त, जितने मेरी तबीयत खराब पहले उससे हम गोश्त ही बनाते हैं, तो अभी गोश्त खा खा के मेरा दिल जो ना भर गया गोश्त, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं चने, काले चने। यहाँ
यहाँ पे सारा मैंने काम कर लिया, बस अभी रोटियाँ रह गई, रोटी बना के अभी मैंने हांडी भी चढ़ा लिया, अभी आटा भी गूंद लिया और यहाँ मैंने किचन भी सारा साफ कर लिया। साल नाज बनाए हमने काले चने, चने चने अंजलि बचपन में बड़े शौक से खाती, जब छोटी ना 2-3-4 साल की थी तब बड़े शौक से खाती थी, तो अभी उसका दिल नहीं करता मुझे मैंने नहीं खाने। ये सालन खाते हैं बिल्कुल नहीं, ये चाय के साथ क्या खाती हूँ, कौन कौन से खाती हूँ, क्या बोलते हैं, आलू अंडे, पालक, आलू पालक, आलू बैंगन भी खा लेती हूँ। हाँ, आलू बैंगन और साथ में पंजे, ये चार सालन खाती हूँ। और पंजे घर में सिर्फ और सिर्फ एक बार बने, क्योंकि कभी नहीं बने, मुश्किल होती है ना और इतना पसंद भी नहीं है, हम इतने शौक से खाते हैं। मैम मेरे को पसंद है, मेरा फेवरेट सालन पंजे ही। अंजलि कुछ कहना चाह रही है, सही है, और क्या बोलते हैं, अंजलि तुमने पंजे खाने हो तो सुनहरा के पास चले जाया करो, क्योंकि वो बनाते बड़े शौक से खाते हैं ना वो। तो यहाँ पे मैंने किचन विचन साफ कर दिया, बस बर्तन रह गए धोने वाले, तो रोटी लगी है। जो भी लड़की कहती है ना, अब तो मेरी शादी होने वाली है, मैं राज करूंगी वहां पर, बर्तन घसना, झाड़ू लगाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा, चाय बनाना। देखो कैसे बदतमीजी कर रहा है, इसकी वीडियो बन गई है, ये वीडियो मिस्को भेजेंगे। मिस्को दिखाऊंगा मैं, ये बदतमीज है, पर इसने क्या किया, उंगली दिखा, जो उंगली खाती है दिखा, दिखा फुल गुस्से, ये वीडियो अपलोड होगी, तेरा फूलता हुआ नाक, नाक नाक क्यों फुला रहा है। मैंने बोला कि जहाँ वो छोटे छोटे चीजें लेके आया, मैं बोले लाया हूँ, दिखाओ दिखाओ वीडियो में, दिखाएं ये नहीं, ऐसी बोले लाया हूँ, ठीक है, बताते हैं ये लोहे की है, ठीक है, ये जो है इनके दूर रखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इसकी एक बात भी हम बताएंगे, अगर ये ऐसे, अगर ऐसे ही हम इतम करता रहे तो हम बता दो वो बात, इसकी बता दस दे। पापा आप इसकी बड़ी कुटाई लगाओगे फिर। कौन सी बात है, कौन सी बात है, बताओ बताओ पसीने आए हुए, बताओ बताओ बेटी बताओ बताओ बदतमीजी ने, हाँ हाँ बताओ बताओ, हाँ वो नहीं बता सकती, इसको मार दो, अरे मैं गला दबाया जा रहा, गला छोड़ दे छोड़ दे, मेरा गला दबाया जा रहा है यार, ये भी चप्पियां डाल रहा है मुझे, नेहा के पास है, बोले बता मुझे बता, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती, आई लव यू सर, अगर बता, अगर बताओगी नहीं तो फिर भी मार पड़ेगी, बता दो कि तो फिर भी मार पड़ेगी, हाँ दोनों बातों बिल्ला बिल्ला।